दीपेंद्र हुड्डा ने राज्यसभा में उठाई किसान की आवाज। सदन में सबसे आगे निकलकर बुलंद की किसानों की आवाज। दीपेंद्र की नोटिस देने के बाद भी सदन में नहीं करवाई चर्चा। विपक्ष के दूसरे सांसदों ने भी दिया दीपेंद्र का साथ। शुरू से ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज राज्यसभा में भी किसानों की आवाज बुलंद करते हुए सदन में सबसे आगे निकलकर बिल में पहुंचकर किसानों की मांग दोहराई। दीपेंद्र हुड्डा के साथ विपक्ष के कुछ अन्य सांसदों ने भी किसानों की मांग मानने और उन पर थोपे गए काले कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों को बंद करने की भी मांग की। कृपया अपनी अपनी जगह बैठे और कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें। जो लोग बिल में है आग्रह है कृपया अपनी जगह जाएं और आज का बिल द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बिल हम लोग लें 2020 प्लीज। कृपया अपनी जगह वापस जाएं। कृपया अपनी जगह जाएं। कोई बात रिकॉर्ड पे नहीं जा रही है। कृपया अपनी जगह जाएं। हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 12:30 PM। इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा ने किसानों की आवाज को बुलंद करने और सदन में इस मुद्दे पर चर्चा कराए जाने का नोटिस दिया था, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि संसद का काम रोककर किसानों की मांग चर्चा की जाए और उनकी मांगों को माना जाए। लेकिन नोटिस पर चर्चा कराने की बजाय जब दीपेंद्र की ओर से सदन में किसानों की मांग उठाई गई तो सभापति ने सदन ही स्थगित कर दिया। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वे सड़क से लेकर संसद तक किसानों की आवाज उठाएंगे। इससे पहले उन्होंने टीकरी, सिंधु और गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन किया। साथ ही पूरे हरियाणा में अलग अलग जगहों पर जारी किसानों के धरने पर भी दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। हल्ला बोल हरियाणा।